हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम कॉफ़ी हेयर टॉनिक बनाएंगे। ये हेयर टॉनिक आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करेगा। यह आपके रूखे सूखे बेजान बालों को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनर भी बनाएगा, साथ ही आपके पतले बालों को घना भी बनाएगा। ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर आपके बालों को बहुत ही काला और लंबा भी बनाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो आपके बाल दुगनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आसानी से सफ़ेद भी नहीं होंगे। तो आइए इस मैजिकल हेयर टॉनिक को बनाना शुरू करते हैं। कॉफ़ी हेयर टॉनिक बनाने के लिए मैंने ये 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ये 1 कप पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसमें ये 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे और इसे पानी में इस तरह अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यह मैंने कॉफ़ी को पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे और इसे 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि कॉफ़ी की सारी गुडनेस पानी में अच्छे से आ जाए। तो ये लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए कि पानी का कलर भी चेंज हो गया है और कॉफ़ी की सारी गुडनेस पानी में अच्छे से आ गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे एकदम ठंडा हो जाने देंगे और जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसे एक क्लीन बोल में अलग निकाल लेंगे। कॉफ़ी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन कर हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। ये हमारे स्कैल्प पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारे स्कैल्प को डीप क्लेंस करती है और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये हमारे गंजेपन की समस्या को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे स्कैल्प को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारे सन डैमेज बालों को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारे रूखे सूखे बेजान बालों को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनर बनाती है। ये हमारे स्कैल्प पर से खुजली की समस्या को दूर करती है और साथ ही साथ हमारे स्प्लिटेंट्स की प्रॉब्लम को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट अब हम इसमें 7-8 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के ऐड करेंगे। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, साथ ही हमारे स्कैल्प को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। और अब हम लास्ट में इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। ये हमारे बालों को बहुत ही काला, लंबा और मजबूत बनाता है और साथ ही हमारे डैमेज बालों को भी रिपेयर करता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए हमारा हेयर टॉनिक बनकर एकदम तैयार है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक खाली स्प्रे बॉटल ले लेंगे और इसमें हेयर टॉनिक को फिल करेंगे। तो यह मैंने हेयर टॉनिक को स्प्रे बॉटल में फिल कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इसे अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपके बाल एकदम क्लीन होने चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लें और इसे अपनी स्कैल्प पर इस तरह अच्छे से स्प्रे करें। और इसे अपनी पूरी स्कैल्प पर अच्छे से स्प्रे करने के बाद आप इसे अपने बालों में 1 घंटे के लिए लगा छोड़ दें और लगभग 1 घंटे बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। इस हेयर टॉनिक के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी। आपके बाल पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनर हो जाएंगे और आपके बाल दुगनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आसानी से सफ़ेद भी नहीं होंगे। तो आप भी इस मैजिकल हेयर टॉनिक को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।